hare hare krishna hare krishna hare 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 rama hare rama 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 hare krishna hare krishna 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 hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, hare Krishna, 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 hare hare. Hare Rama, hare Rama, Rama Rama, hare hare. Hare Krishna, hare Krishna, Krishna Krishna, hare hare. Hare Rama, hare Rama. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे 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 रामा, हरे रामा, रामा राम, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे थिश्ना हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्री हरि नाम संकीर्तन की ओम अज्ञान तिमिरंध से ज्ञानंजन सलाकया चक्षुरमेतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो विष्णुपाए कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्री श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु श्री निनंद श्रीअदाधर गौर गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ये बहुत बोर्ड का व्यू हरे कृष्णा आज के सुबह के सत्र में सभी श्रोतागणों का स्वागत है भागवत के संदर्भ भागवतम को हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस थीम बाय थीम लेते जा रहे हैं जो जो थीम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिसका एक सीक्वेंस में चल रहा है उन थीम्स को हम उठा रहे हैं वहाँ से और आज का जो थीम है तीसरे का ये आखिरी आखिरी होने को आया है और इस, इस इसका आज का थीम है ब्राह्मणों में वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है शास्त्रों से देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में पहले ब्राह्मण और वैष्णव तक पहुंचेंगे उससे पहले कि हम ब्राह्मणों को देखें और वैष्णव को देखें पहले सबको देखते हैं एक बार कौन कहाँ पे है किसकी स्थिति कहाँ पे है ये देखते हैं है ना तो ये तीसरा स्कंद है श्लोक है जीवा श्रेष्ठा ही जीवा नाम तथा प्राणभृता तथा सचित्ता प्रवराश तथा केंद्रीय वृत्त निर्जीव चीज से जिंदा चीजें जो है श्रेष्ठ है तो अगर आप इसको देखते जाए कौन किससे श्रेष्ठ है जो निर्जीव है जो डेड है वो जो है उससे श्रेष्ठ है लिविंग जिंदा चीज मरे चीज से बढ़ के है इसमें कोई डाउट नहीं जिंदा चीज भी दो प्रकार के हैं ये जो जिंदे चीज हैं दो तरह के हैं एक है जिनमें जिंदगी की पहचान हो सकती है पहचान सकते हैं सिम्टम्स लाइव सिम्टम्स जीवन के सिम्टम्स जिनमें लाइव सिम्टम्स दिखते हैं लाइव सिम्टम्स दिखते हैं प्लस और लाइव सिम्टम नहीं दिखते हैं माइनस जिनमें जिंदगी के पहचान है और जिनमें जिंदगी को पहचानना भी मुश्किल है अब बोलेंगे ऐसा क्या चीज है जिसको जिसमें जिंदगी भी पहचानना मुश्किल है बड़ा झटका लगेगा लेकिन आप सुनिए पत्थर होते हैं ना पत्थर उसमें दो तरह के पत्थर होते हैं ये भागवत का तीसरा स्कंद है एक होता है जिंदा पत्थर एक होता है मरा पत्थर पत्थर में भी और अगर किसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अगर आप किसी अनुभवी आदमी को पूछिएगा इसने बहुत देखा है पहाड़ों को पत्थरों को बहुत देखा है कई बार मैंने खुद सुना है लोग कहते हैं कि पत्थरों का साइज बढ़ता है आपको अगर यकीन नहीं तो आप किसी बड़े बूढ़े को जो गांव में जो लोग रहते हैं जिन्होंने सामने से पत्थरों को बहुत ऑब्जर्व किया शहरों वाले व्यक्तियों से मत पूछिए जिन्होंने पत्थरों को बहुत ऑब्जर्व किया है तो आपको ये ऐसी बात प्राय सुनने को मिलेगी हर इलाके में कि पत्थरों का साइज बढ़ते हुए देखा गया तो जिंदा पत्थर हो और मरे पत्थर तो जो पत्थर है जिनमें कि लाइफ सिम्टम्स माइनस पता ही नहीं चलता देख के कि जिंदा भी है जब आप कुआं तोड़ते हैं ना तो मरा पत्थर अगर जिंदा पत्थर मिल गया तो उसको तोड़ने का एक ही तरीका है पहले उसको गर्म करते हैं फिर पानी डालते हैं बहुत सारे ऐसे चीजें करने पड़े बहुत मुश्किल होता है उसको तोड़ना तो गांव का कुछ कोई भी व्यक्ति बोल देगा ये जिंदा पत्थर पूरे भारत में प्रचलित है कि पत्थर जिंदा हैं कि मरे हैं पूरे भारत में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस कहीं पर कहीं पे कहीं भी आप भारत में जाएंगे जिन्होंने कुआं खोदने का जो एक्सपीरियंस है वहां पे जिंदा पत्थर और मरे पत्थर दो तरह के पत्थरों की बात होती है तो भागवत तीसरे स्कंद के अनुसार पत्थर जो होते हैं वो जिंदा होके भी जिंदगी के साइंस को मैनिफेस्ट नहीं करते देखिए कितना डीप साइंस है कितना गहरा साइंस है कि ये ऐसे चीज में भी जान देख रहा है जिसमें कोई सोच भी नहीं रहा है ऐसा देखिए अब तर्क से समझिए बात को ऐसे चीज में भी जान समझ रहा है जिस चीज के बारे में कोई सोच तक नहीं रहा है तो पत्थर में जान है और पत्थर में जान नहीं भी है जिंदा वाले भी पत्थर और मरे वाले भी मरे पत्थर मतलब बहुत कमजोर जैसे होते हैं वो तो पहचानते हैं आप किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को लेंगे और पूछेंगे तो दिखा देंगे आपको तो खैर तो जिनमें जिंदगी के साइंस हैं दे आर बेटर देन जिसमें जिंदगी के साइंस नहीं है जिसमें जान पहचान आ जाता है कि जिंदा चीज है वो उन चीजों से अच्छा है जिनमें जैसे कि पत्थर है पत्थर से अच्छा वो है जिसमें जिंदगी के साइंस दिखते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े ये सब जो है पत्थरों से अच्छे हैं को इनसे श्रेष्ठ हैं मरे से जिंदा और जिंदे में जिनमें जिंदगी की पहचान है जिंदगी की पहचान जिनमें नहीं है उनसे श्रेष्ठ है एक एक करके हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं जो 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 जिनमें जिंदगी के साइंस हैं उसमें से जो जिनको सेंस परसेप्शन है जैसे पेड़ पौधे सेंस परसेप्शन पेड़ को क्या क्या सेंस होता है सो सुनिए पेड़ जो है देख सकता है बोलेगा अरे बाप प्रभु जी आप क्या बता रहे हैं पेड़ कैसे देखता है कहां देख लेता है पेड़ आपको उदाहरण देता हूं आप पेड़ को धूप के पास लगा दीजिए वो धूप के तरफ निकलने लगता है तो बोले कि वो देख तो नहीं रहा है केमोटैक्सिस कॉल्ड अच्छा केमिकल अट्रैक्शन फोटोटैक्सिस इसको टैक्सिस मोमेंट्स कहते हैं बॉटनी के दृष्टि से तो अब आप मेरा एक सवाल का उत्तर दीजिए आप कभी पैथोलॉजी का या केमोटैक्सिस का स्टडी के जो बहुत अच्छे किताब है उसको आप पढ़िएगा उसमें एक चीज लिखा रहता है एक केमिकल दूसरे केमिकल को कैसे देखता है ये एक बड़ा प्रश्न है आप रॉबिन्स पढ़िएगा जो मेडिकल के कुछ अगर यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं वो जानते हैं आप ग्रैंडफादर रॉबिन्स पढ़िएगा छोटा वाला रॉबिस नहीं जो एकदम मोटा वाला जो है एकदम ओरिजिनल बिग साइज उसको जब आप पढ़िएगा छोटे वाले में कम चीजें लिखी रहती है बड़े वाले को पढ़िएगा उसमें केमोटैक्सिस हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर में आता है, उसको आप पढ़िएगा ये मैं अपने याद से बता रहा हूँ प्रिपेयर नहीं किया केमिकल के के तो कि उस केमिकल के तरफ कैसे अट्रैक्ट हो जाता है भाई उसको क्या देखता है कि उसको है? ये एक बड़ा प्रश्न है करके खुद एक क्वेश्चन डालता है मतलब वो खुद उसको एक डाउट है कि ये केमिकल देखते हैं एक दूसरे को मतलब पेड़ हमारे से आंखों से नहीं देख रहे हैं लेकिन देख तो रहे हैं ये तो साइंस भी मान रहा है कि ये देख रहा है लेकिन उसको उत्तर नहीं दे पा रहा है साइंस अनेबल है इसको बोलने के लिए साइंस थोड़ा सा चुप हो जा रहा है हम भी चुप और तुम भी चुप ये चुप चुप तब होता है जब थोड़ा चोरी वाली बात होती है जब आपको कुछ कम पता होता है आदमी तभी तो चुप होता है ना जब उसको पता कम होता है अगर पूरा पता होगा तो चुप क्यों रहेगा धनादन बोलेगा जो बात है बता देगा तो यहाँ पे जिनको सेंस परसेप्शन है पेड़ों को क्या सेंस है पेड़ देखते हैं जहां लाइट है उनको दिख जाता है उधर वो चला जाएगा उसको आप फोटो फोटोटैक्सिस बोल दें है ना जहां पे लाइट है उधर चला जाएगा पेड़ सूंघ भी सकता है अगर आप पेड़ों को खुशबू वाले इलाके में रख देंगे खुशबू की तरफ वो पेड़ जो है झुकता हुआ दिखेगा स्मेल को भी टैक्सिस उसका भी होता है केमोटैक्सिस भी मूवमेंट करता है स्मेल भी कर सकता है और पेड़ जो है पेन को फील करते हैं जब आप सिस्मोग्राफ होता है उसमें जब पेड़ को स्टडी करेंगे कुछ काटेगा तो उसमें वो ग्राफ में दिखेगा पेड़ को दर्द हो रहा है जगदीश चंद्र बसु ने पहले स्टडी किया था उसके पहले अंग्रेज लोग कहते थे पेड़ों में जान नहीं है लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने जब उसको रिसर्च करके दे दिया तो अंग्रेज बोलने लगे अब साइंस से दिखा दोगे तो मान लेंगे कि जान है तो भाई ये हमारा कहना ये है कि ज्ञान बदलता नहीं है शास्त्र का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो कभी बदलता नहीं है साइंस का ज्ञान जो है वो साइंटिफिक नहीं है साइंटिफिक होता है, तो बदलता नहीं था क्योंकि अगर एक बार वो प्रूफ हो गई कोई चीज़ थ्योरी बन गई फिर वो गलत कैसे साबित हो जाती जब वो थ्योरी बन गया ऑब्जर्वेशन हो गया हाइपोथेसिस बन गया सब बन गया वो गलत साबित हो जाती है इसका मतलब कहीं ना कहीं साइंस के प्रोसेस में साइंटिफिकनेस की कमी है। बात की गहराई को समझिएगा और इसलिए हम शास्त्र से चलते हैं जो शास्त्र का ज्ञान कभी बदलता ही नहीं पाँच हजार साल बाद भी वही ज्ञान रहता है कभी चेंज नहीं होता तो जिनको सेंस परसेप्शन है वो बिना सेंस परसेप्शन वालों से ज्यादा इंप्रूव्ड है ये ज्यादा श्रेष्ठ है, है ना जैसे पेड़ है ना तो पेड़ को टच का सेंसेशन होता है छुएंगे तो पेड़ को फील हो जाता है पेन हो जाता है अब जिनको सेंस परसेप्शन में जिनको केवल टच का सेंस है जैसे पेड़ है उनसे वो श्रेष्ठ है जिसको टेस्ट का भी सेंस है एकदम क्लियर कट टेस्ट होता है जैसे कि मछली मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी तो पेड़ से श्रेष्ठ है मछली क्योंकि मछली को टेस्ट है पेड़ को टेस्ट का सेंस नहीं पेड़ को टेस्ट नहीं समझता पेड़ में कोई ऐसा सेंस नहीं है जिससे कि टेस्ट हो सकता है किसी भी दिन फ्यूचर में भी साइंस ये प्रूव नहीं कर सकता कि पेड़ को टेस्ट हो सकता है शास्त्र कह रहा है ना शास्त्र कह रहा है कि टच को सेंस करता है तो टच के लिए मशीन है सिस्कोगराफ है, सिस्कोगराफ है, वो से आप निकाल सकते हैं कि टच को सेंस कर रहा है देखने का भी केमोटैक्सिस आप निकाल सकते हैं लेकिन कभी भी टेस्ट करता है पेड़ यह आप निकाल नहीं सकते तो टेस्ट का सेंस है मछली में और मछली से अच्छे वो हैं जिनको स्मेल का क्लियर कट सेंस है मछली है मछली को टेस्ट है लेकिन मछली स्मेल नहीं कर पाती तो स्मेल वा करने वाला जैसे कि बीज है भावरा है मधुमक्खी है बीज है ना भौवरा या मधुमक्खी जो है हिंदी में ये मछलियों से ज्यादा श्रेष्ठ है उसके बाद इनसे श्रेष्ठ कौन है इनसे श्रेष्ठ है सांप, स्नेक्स स्नेक्स जो है सुन सकते हैं अब मॉडर्न साइंस कहता है कि सांप नहीं सुन सकता साइंस कहता है मैं नहीं कह रहा मॉडर्न साइंस कह रहा है वैदिक साइंस नहीं कह रहा है मॉडर्न साइंस कहता है कि सांप सुन नहीं सकता तो फिर जब बीन बजाते हैं तो सांप ऐसा ऐसा क्यों करता है तो साइंस बोलते हैं शायद उसको देख के ऐसा ऐसा करता होगा अच्छा अब आप एक एक्सपेरिमेंट करिए करिएगा नहीं बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है केवल मैं कह रहा हूं आप मान लीजिए ऐसा ही होता है सांप अगर अंधेरे में है और दूर में मेढक टटरा रहे हैं सांप उनको खोज पाएगा कि नहीं खोज पाएगा सांप अपना खाना कैसे पकड़ता है रात में सांप निकलता है मेढा की टटर 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 जो ध्वनि है उसको सुनता है वहां पहुंच जाता है अब वो कैसे सुनता है कहते हैं वो एक्सटर्नल ईयर नहीं है उसके पास उसके पास इंटरनल ईयर है सांप के पास अंदर वाला कान है बाहर वाला प्रोसेस नहीं है ये जो बाहरी कान है वो नहीं है ठीक है कैसे सुनता है किस फ्रिक्वेंसी से कैसे वेव से सुनता है वो आपको पता नहीं होगा लेकिन अगर वो सुनता नहीं तो फ्रॉग को खाता कैसे वो मेढक को कैसे खा लेता सांप अरे जरा आप तर्क लगाइए श्रोतागंज आप तर्क से सोचिए कि अगर सांप सुनता नहीं सुनता नहीं सुनता नहीं सुनता नहीं सुनता नहीं सुनता नहीं तो मेढक को कैसे खा लेता जाके अंधेरे में क्योंकि उसकी आवाज से वो समझ जाता है कि मेढक आ चुका है है ना और आवाज को खोजते खोजते सांप पहुंचता है इसलिए सुनने का पावर है इसलिए वो इन बीज से ज्यादा ये जो है ये भावरो से ये हनी बीज और इनसे ज़्यादा एडवांस्ड है क्योंकि तो उसमें सुनने का एक एक्स्ट्रा फीचर ज़्यादा पावरफुल है इसके बाद सांपों से वो अच्छे हैं जिनके जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फॉर्म डिफ्रेंशिएशन इसको मैंने नाम दिया फॉर्म डिफ्रेंशिएटर्स जो फॉर्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पता है कौन है जिनको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म अलग अलग समझता है ये है कौवे क्रोज कौआ जो होता है एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से सम, अलग समझ लेता है जानवरों में ये ये एबिलिटी बढ़ रही है कौवे तो बढ़ कौवो तक आके एबिलिटी बढ़ गई कौवों से श्रेष्ठ कौन है फिर है ना अब आगे देखिए कौवों से अच्छा कौन है जिनको ऊपर और नीचे के दांत हैं ऐसे जो जानवर जिनको ऊपर के दांत और नीचे के दांत डेवलप हैं पूरे डेवलप्ड हैं ये उनसे कौ से श्रेष्ठ उनसे श्रेष्ठ कौन है उनसे श्रेष्ठ जो हैं, जिनको बहुत सारे पैर हैं और उनसे श्रेष्ठ मल्टीपल लेग्स, मतलब कॉकरोच इत्यादि ये उनसे श्रेष्ठ है और उनसे श्रेष्ठ कौन है तो कहते हैं इनसे श्रेष्ठ है चार पैर वाले गाय कुत्ते चार पैर वाले जानवर उनसे श्रेष्ठ है और उनसे श्रेष्ठ है दो पैर वाला और दो पैर वाला तो आप जानते हैं इंसान ये सबसे श्रेष्ठ है इंसान सबसे श्रेष्ठ है इस पूरे साइकिल में है ना तो हमने देखा मछली बीज स्नेक्स फॉर्म डिफ्रेंशिएटर क्रोज अपर एंड लोअर टीथ वाले आर्थोपोड्स, कॉकरोच इत्यादि जो मल्टी मल्टी बहुत सारे पैर वाले चार पैर वाले जानवर और चार पैर से दो पैर वाला मनुष्य। ऐसा सीरीज में एक के बाद, एक के बाद बाद एक एक है। आपको नोट करना है तो मैं आपको पांच सेकेंड का टाइम देता हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं स्क्रीन क्लिक अभी मनुष्यों के अंदर क्या क्या कौन श्रेष्ठ है वो देखिए जो मनुष्य हैं अब मनुष्य ऐसे ही बना सकते हैं हाई स्पीड में थोड़ा स्पीड ज्यादा है हमारा बनाने का मनुष्यों का जो समाज है उसमें दो तरह के समाज है एक जहां पे वर्ण और आश्रम का डिवीज़न हुआ है कल हमने इसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया है कल का लेक्चर अगर आप सुन लीजिएगा वर्णों और आश्रमों के ऊपर उन्होंने लेक्चर दिया है तो जो वर्णाश्रम में डिवीजन हुआ है वो समाज सादे समाज से ज्यादा अच्छा है वर्ण आश्रम बेटर देन नो आश्रम नो वर्णाश्रम नो नो का मतलब क्या है अब अगर आप रसिया में जाइएगा चाइना में जाइएगा तो वहां पे कॉम्युनिज्म चलता है कॉम्युनिज्म का मतलब साम्यवाद सब लोग एक जैसे रहेंगे सबको एक फैसिलिटी मिलेगा अच्छा सबको एक फैसिलिटी मिलेगा हाँ नहीं नेता लोग को तो थोड़ा एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा वो रूलर क्लास है और नीचे वाले झकमारी क्लास सलाम साहब वाला क्लास तो बना दिया ना तुमने दो क्लास डिवीजन तो तुमने कर ही दिया लेकिन उस डिवीजन में लोग खुश नहीं हैं क्योंकि जबरदस्ती का डिवीजन कर दिया है और डिवीजन का कोई बेसिस नहीं है ये तो बहुत ही बेकार है कि तुम कैसे भी पैदा हो जाओ तुम बेचारे झकमारी रूलर क्लास तुम जो हो सादा क्लास में हो बस जी हुजूर करते रहो और कुछ लोग ऊपर बैठे हैं जो कि ऊपर पावर दबा के बैठे और नीचे से ऊपर जाना है तो बहुत सारे तिकड़म बेलने पड़ते हैं सीधे तिकड़म नहीं है वो गंदे कर, प्रकार के तिकड़म है एक रशियन लेडी थी वो एक इंटरव्यू दे रही थी एंड सी वॉज टेलिंग दैट तो, तो वर्णाश्रम नहीं बनाइएगा तो अपने आप एक डिवीजन क्रिएट होगा और वो जो थर्ड क्लास डिवीजन जो क्रिएट होगा उस डिवीजन से ये साइंटिफिक डिवीजन काफी अच्छा है इसके ऊपर कल हमने चर्चा किया था हम आज नहीं करेंगे चर्चा आप कल के लेक्चर को देख लीजिएगा और इसमें जो वर्णाश्रम में जो प्रॉपर साइंटिफिक डिवीजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें से कहते हैं जो ब्राह्मण है वो सबसे श्रेष्ठ है कैसे श्रेष्ठ है वर्णाश्रम में ब्राह्मण श्रेष्ठ चारों वर्णों में चारों आश्रमों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। अब आप यहाँ पे आ गया कंट्रोवर्सी की शुरुआत है ना? हमारा लेक्चर अब चालू हो गया ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हैं? देखिए ब्राह्मणों के गुण बहुत होते हैं शांति क्षमा तप स्वाध्याय ब्रह्मचर्य उदारता दान करना ब्राह्मणों के गुण अगर आप देखेंगे इतने सारे गुण सत्य के प्रति निष्ठा है ना और सहनशीलता ये ब्राह्मणों के गुण है जब कर्ण पढ़ने गया था और उसने बोल दिया था कि मैं ब्राह्मण तो उसको सिखाया जा रहा था लेकिन जब कीड़े ने उसको काटा है ना तो बोला कि इतना सहनशीलता ब्राह्मण में नहीं हो सकता ब्राह्मण सहनशील होता है कि भाई मान में अपमान में ये शरीर के स्तर पर इतना सहनशील ब्राह्मण नहीं होता कि काट दिया और वो कुछ नहीं कर रहा है तू छत्री है वो पकड़ा गया तो ब्राह्मण के जो गुण होते हैं सदाचार के जो गुण होते हैं इन गुणों से युक्त होने के कारण ब्राह्मण को वर्णाश्रम में सबसे टॉप का स्थान दिया गया गुणों के कारण चातुर्वर्ण में आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग सा, चार जो वर्ण है उसमें ये जो गुण और कर्म इसके आधार पे गुण देखा जाए और उनके कर्म देखे जाए तो इन दोनों के आधार पे अगर मार्क्स मिलेगा तो ब्राह्मण को मैक्सिमम हंड्रेड परसेंट मार्क्स मिलेगा सारे गुणों में सारे कर्मों में हंड्रेड परसेंट मार्क्स लेके निकलेंगे ब्राह्मण लेकिन अब सवाल है कि ब्राह्मण है कौन कैसे पहचानेंगे कि कौन ब्राह्मण है उसका क्वालिफिकेशन क्या है तो ब्राह्मण जो है वो उसका जो है यहाँ पे पहचानना है उसके गुण से और उसके कर्म से है न? गुण और कर्म से उसको ब्राह्मण होके दिखाना पड़ेगा तो इसके लिए लगता है रिफॉर्मेटरी प्रोसेस संस्कार कहते हैं जिनको संस्कार जब संस्कार पूरा हो तब जाके उसमें ब्राह्मण के गुण आएंगे संस्कार का मतलब होता है जब बच्चा गर्भ में आता है गर्भ में आने के समय पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार ये नहीं कि माता पिता जो है विवाह किए और ऐसे ही संयोग कर लिए और बच्चे हो गए नहीं अगर बच्चे को अच्छे गुण और अच्छे कर्म वाले बनाना है तो माँ और पिता के चेतना को उन्होंने अपने माइंड को बहुत प्योरीफाई करना पड़ेगा जितने नेगेटिव एनर्जी हैं अपने माइंड से सब निकालने पड़ेंगे और वो निकालने के लिए संस्कार करने पड़ेंगे संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार है हरिनाम का संस्कार अगर आप पचास माला जब कर रहे हैं तो वो संस्कार होता है उससे एक दिन में पचास माला जब करना हरे कृष्ण महामंदिर का करीब करीब पाँच छः घंटे लग जाएंगे तो बोलेंगे इतना बहुत टाइम लग जाएगा नहीं वो जो बच्चा आपका आएगा वो पूरे जीवन भर एक क्वालिटी लेके आएगा इसलिए आपको समय दे के उसको एक एक सेक्रीफाइस एक तप के रूप में आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चे के जिंदगी का सवाल है ये आपके आपका सवाल नहीं रह गया अभी तो इसलिए जो संस्कार करते हैं तो जाके ब्राह्मण के गुण उसमें पैदा होते हैं ये संस्कार की शुरुआत होती है गर्भ देने के समय से है ना सोलह तरह के संस्कार किए जाते हैं लेकिन जब गर्भ के समय उसमें अलग अलग संस्कार अलग अलग समय में होते हैं अब पहला जो जब जब ये जन्म लेता है व्यक्ति जन्म लेने के बाद अगर कोई वेद पढ़ रहा है उसको कहते हैं वेदज्ञ तो वेदज्ञ जो है वो जो है सामान्य ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है केवल कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया हो लेकिन वेद न पढ़े है ना कि आजकल ज्यादा लोग तो वेद पढ़ है ना? कहते हैं हम चतुर्वेदी हैं और उनको बोलो चार वेद का नाम बता दीजिए तो सोचते हैं हाँ, साम वेद यजुर्वेद वेद, वेद की वेद. है ना तो चार वेद को जानना चतुर्वेद होता है तो जो वेद को कोई पढ़ता है तो उसको कहते हैं वेदज्ञ 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 बनता है चारों वेदों को पढ़ने से और वेदज्ञ जब बन जाता है लेकिन वेद पढ़ने मात्र से इसमें केवल वेद का गुण है इसके ऊपर का लेवल है अर्थज्ञ 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 जो है वेदज्ञ से ज्यादा बढ़िया है अर्थ मतलब उसको वेद का अर्थ समझ रहा है कि वेद कह क्या रहा है क्या करने को वेद कह रहा है और वेद क्या कह रहा है जानते हैं आप पंद्रहवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में कृष्ण कहते हैं सर्वस्निविष्टो मत् स्मृतिर्ज्ञानपोहनमच वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेदात वेद विदेव चाहम कृष्ण कहते हैं सारे वेदों से मैं ही जाना जाता हूं मैं जाना जाऊँगा सारे वेदों से मुझे जानने के लिए सारे वेद लिखे गए और मैंने ही लिखे हैं सारे वेद मैं ही उसको बनाने वाला हूं और मैं ही उससे जाना जाने वाला हूँ। इसका मतलब है कि जो ये समझ जाए वेद पढ़ के कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण लेना मेरा काम है तो समझ लेना कि वो पहुंचा है धाम वो भगवान के धाम पहुंच गया ये अर्थज्ञ जो है जो वेद के अर्थ को समझ रहा है कि इसका सार है कृष्ण की शरणागति गीता पंद्रहवा अध्याय पंद्रहवा श्लोक सारे वेदों का सार वेदांत वेदांत का त्पर्य लिखने वाले वेद व्यास देखिए सारे वेदों के बाद लिखा गया वेदांत सूत्र और वेदांत सूत्र जब लिखा वेद व्यास जी ने तो वेद व्यास जी ने आखिरी एक किताब लिखा जो वेदांत सूत्र का कमेंट्री था उस पर एक टीका था जिसको उन्होंने भागवत नाम दिया और भागवत में केवल कृष्ण के बारे में चर्चा किया है क्योंकि कृष्ण का शरण लेना अर्थज्ञ का पहचान है तो जो अर्थ की बात है अर्थज्ञ मतलब वो वेद को सही से समझाए अर्थज्ञ से बड़ा कौन है अर्थक से बड़ा है संशय छेता संशय छेता ये सब तीसरे स्कंद में मैं वर्णन कर रहा हूं तीसरे का ट्वेंटी नाइन्थ चैप्टर है वहां से ये आ रहा है सारा डिस्कशन है ना और संशय छेता संशय छेता का मतलब इसको अब दूसरे के संशयों को काटने का शक्ति आया है संशय को जो काट दे दूसरे के अपने डाउट उस, उसका केवल अपना शरणागति नहीं है अब वो दूसरे के डाउट्स को भी क्लियर कर सकता है जब वो दूसरे के डाउट को क्लियर करने की शक्ति कोई रखे तो उसका लेवल अर्थज्ञ से ऊपर हो गया वो संशय छेता का लेवल हो गया वो मतलब जो प्रचार में लगे हुए हैं और जो प्रचार करते समय लोगों के अलग अलग प्रश्नों को समझा के उसको उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं ऐसे जो ऐसे जो प्रचारक हैं जो ब्राह्मण हैं उनका लेवल संशय छेता का लेवल है वो इस लेवल पे बैठे हैं लोग और ऐसा जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का नाम है ब्राह्मण वैष्णव अब ये केवल ब्राह्मण नहीं रहा अब ये ब्राह्मण वैष्णव हो गया इसमें एक डुअल डिग्री लग गई इसको कहेंगे ब्राह्मण वैष्णव क्यों कहेंगे इसको ब्राह्मण वैष्णव क्योंकि अब ये लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पा रहा है डाउट्स कैसे कैसे रहते हैं अच्छा परम भगवान कौन है एक डाउट है अगर आप कोई बोलेगा मुझे पता नहीं भगवान निराकार है कि साकार है उसको तो खुद ही क्लियर नहीं इसका मतलब वो संसय क्षेत्र का लेवल नहीं आया अभी वो वेदज्ञ अर्थज्ञ के लेवल पे चल रहा है है ना लेकिन जब वो दूसरों को समझा सकता है कि कृष्ण ही परम भगवान है और कोई डाउट है तो क्लियर कर सकता है तो ये संचय क्षेत्र जो है इसको इसको हमारी भाषा में कहते हैं आचार्य ये व्यक्ति आचार्य बनने के लायक है आचार्य ये ये अपने आचरण से लोगों के डाउट्स को क्लियर करके जो स्टैब्लिश करता है भक्ति को या तत्व को ये आचार्य का पद लेने के लायक है ये बहुत बड़ा व्यक्ति है जो इन सबसे कहीं ऊपर चल रहा है और आचार्य का एक पहचान है कि आचार्य कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप स्वर्ग जाओ और भोग करो इस संसार का भोग नहीं तो और उस संसार का भोग नहीं आचार्य कहेंगे शरणागति जाओ भगवान की शरण में जाके अपना जीवन को स्पष्ट कर लो सुधार लो ये आचार्य कहेंगे आपको तो आचार्य का पद जो है बहुत बड़ा पद है इसलिए क्योंकि प्राय जो ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ जब करवाते हैं तो यज्ञों का प्रायः जो गोल होता है जो लक्ष्य होता है किसी देवी देवता की तुष्टि संतुष्टि होती है और देवी देवता जब संतुष्ट होते हैं तो व्यक्ति को स्वर्ग के फल की प्राप्ति होती है उसको स्वर्ग का फल मिलता है स्वर्ग, स्वर्ग आचार्य कभी स्वर्ग जाने के लिए नहीं कहेंगे आचार्य आपको कहेंगे भगवत धाम लौट चलो तो जो संशय क्षेत्र है ये आगे का स्टेज हुआ अर्थज्ञ वेदज्ञ और संशय तीन स्टेज हमने देखे है ना अब संशय चेता से भी एक आगे का लेवल है आचार्य से भी एक आगे का लेवल है और ये लेवल है शुद्ध भक्त इसको अवोध्या धर्मात्मा धर्म निस्वार्थ अवोगधा धर्मात्मना ये उससे ऊपर का लेवल है अवोगधा धर्मात्मन ये सब तीसरे स्कंद में है अवोगधा धर्मात्मन का मतलब जो धर्म करे लेकिन किसी स्वार्थ के लिए ना करे बिना स्वार्थ के जो धर्म करे वो अवोगधा धर्मात्मन जो अपने लिए धर्म ना करे दुनिया में लोग क्यों धर्म करते हैं देही देहि धनम देही पुत्रम देही रूपवती भारम देही दे दो पैसा दो सरस्वती माता विद्या दो गणपति जी बुद्धि दो लक्ष्मी माता धन दो पार्वती जी सुंदर स्त्री दे दो सब मुझे दे दो मुझे दे दो तो जब मुझे मांगते हैं तो आपका स्तर कहीं नीचे का है लेकिन जब अपने लिए कुछ नहीं मांगते तब आपका ये अवोधा धर्मात्मन सबसे ऊंचा डिग्री आपको मिलता है अवोधा धर्मात्मन की डिग्री है ना ये सबसे ऊंचा डिग्री है इसमें क्या होता है प्रहलाद तो महाराज नरसिंह देव को कहते हैं प्राय देव मुनिया कामान नूनम चरंती परार्थ निष्ठा लोग क्या करते हैं प्राय देव मुनि लोग क्या करते हैं हिमालय चले जाते हैं और हिमालय जाके क्या करते हैं बर्फ में बैठते हैं बर्फानी बाबा कहलाते हैं वहां की जड़ी बूटियों को खा के थोड़ा सा सिलादी चाट के जीवन जी लेते हैं लेकिन वो परार्थ निष्ठा नहीं दूसरों का भले के लिए कभी नीचे नहीं आते अपना भला होगा अपना मोक्ष मिलेगा अपने मोक्ष के लिए लगे रहते हैं लगे रहते हैं और लगे रहते हैं दूसरों के भलाई के लिए चिंता नहीं करते इसलिए कहते हैं प्रहलाद कि जो दूसरों के भलाई के लिए चिंता नहीं करते उनका लेवल यहाँ के नीचे आ गया है ना वो केवल अर्थज्ञ के तक जा रहे हैं अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं है ना कि वे हम मैं भगवान में ध्यान करूंगा मैं भगवान के पास मोक्ष लेके निकल जाऊंगा लेकिन जब उस नीचे उतरता है प्रचार करने लगता है तो संशय छेता आचार्य का स्टेज आता है उसका और जब प्रचार करके जब एकदम निस्वार्थ हो जाता है जब एकदम अवोक हो जाता है तो इसको ही हम लोग कहते हैं शुद्ध भक्त साधारण भाषा में इसको कहते हैं शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त इस अवोक धर्मात्मन को शुद्ध भक्त कहा जाता है अपने लिए कुछ नहीं चाहिए जो इसके पास है सबके लिए इसलिए इसका स्टेज सबसे हाई हुआ है ना? तो यह कैसे हो रहा है यहां से ब्राह्मण के जो प्रिंसिपल्स हैं ब्राह्मण का जो सुबह उठना मंगल आरती करना नाम जप करना ये सब को जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एकदम तो अपने जीवन में कड़क से पालन करते हैं वो करते करते एक एक स्टेज पालन होता है कहते हैं कि जन्म ना आ जाए ते शूद्रा संस्कारात् भवे द्विजा नु? तो जन्म से जो है सब लोग शूद्र पैदा होते हैं ये संस्कृत का श्लोक है वेद का श्लोक है और संस्कार करने से द्विज बनता है जब उसको गुरु से जब मंत्र मिलता है तो उसका दूसरा जन्म होता है द्विज कहलाता है, है ना और वेद जो पढ़ता है वो विप्र होता है और ब्रह्म जानाती ब्राह्मण होता है ब्रह्म जाना इति ब्राह्मण वे ना तो जब ब्रह्म को जान जाता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है तो जो ब्राह्मण है और जो वैष्णव है ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स भी हैं एक शुद्ध भक्त को भी ब्राह्मण कहा जाएगा क्योंकि उसमें ब्राह्मण के सारे गुण हैं अर्थज्ञ भी है वेदज्ञ भी है है ना सारे तो अब कोई पूछेगा कि ये जो शुद्ध भक्त है क्या इसने सारे संस्कार किए हैं क्या इसने सारे संस्कार को फॉलो किया है अपने जीवन में क्या संस्कृत हो के सुस्कृत होके संस्कार हुआ था उसका तो अब उसका उत्तर सुनिए संस्कार किस कैसे होता है उसका सुनिए देवहूति माता माता देवहूति जो है कपिल मुनि की माँ इसको मिटा देते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इसको आप फोटो क्लिक कर लें बाद में श्याम बाबा है साथ में हमारे देवहूति कहती हैं यह नाम ये तीन तैतीस छ है भागवतम तीन तैतीस छ ये श्लोक है भागवतम श्रीमद् भागवत का श्लोक है देवहूति कपिल को अपने पुत्र को कह रही है मां कभी अपने बेटे को बड़ा नहीं मानती आज तक आपने कभी कोई ऐसी माँ नहीं देखी होगी जो अपने बेटे का पैर छू ले या बेटे को प्रणाम कर ले या बेटे से कुछ उपदेश सुन ले बेटा कितना भी बड़ा पंडित बन जाए तो माँ यार इसको तो हम जानते ही ये सही बकर बकर करता है हंसते हाँ। रहेगी कुछ बोलेगा तो माँ हंसती ये भी बोलने लगा लेकिन देवहूति की देवहूति का पुत्र जो कपिल है वो स्वयं भगवान है और जब कपिल ने अपने गुण को प्रकट किया तो देवहूती ने उनको ऊंचा स्तन दे के नीचे बैठ गई और नीचे बैठ के ज्ञान लेती है अपने बेटे से और ज्ञान लेने के बाद देवभूति कहती है मां बोल रही है नीचे बैठ के मां कभी कभी इतिहास में कभी मां नीचे नहीं बैठी लेकिन स्व इच्छा से देवभूति नीचे बैठ के सवाल करती है और आखिरी में कहती है सारा ज्ञान सुनने के बाद देवहूति मैं परस तीन दिन पहले बता रहा था देवहूति कौन थी देवहूति योग लक्षण वाली थी यहाँ युक्ति संगत है इसलिए थोड़ा बताना पड़ेगा उनकी महिमा को योग लक्षणों से पूरी थी मतलब य, आ, य, आ, जो आपका आसन ध्यान धारण ये सब जो समाधि ये जो आठ जो उसके यंग होते हैं है ना यम नियम प्राण ये सारे के सारे जो आठ स्टेज हैं इस पर पूरा उसने परफेक्शन कर लिया था समाधि के स्तर तक चली गई थी वो मतलब अपने ध्यान को परमात्मा में एक फिक्स करके रख सकती थी बिना बिना किसी के विचार के हुए सारे के सारे योग आसनों को करके दिखा सकती थी शरीर से आजकल अच्छे अच्छे योगाचार्य जो होते हैं वो सारे योगासन नहीं कर पाएंगे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी क्योंकि सबके सब, सब मनुष्य शरीर में है ना मनुष्य शरीर में कुछ कुछ योगासन तो हो ही नहीं सकते शरीर का कुछ लिमिटेशन है सारे के सारे आसन चौरासी लाख भोले बाबा की जाय तो भोले बाबा सारे आसन कर सकते हैं अगर आप उनको याद करिएगा तो एक आध आसन आपके भी बड़े ठीक रहेगा एक आध आसन तो करें तो देव होती सारे आसनों को परफेक्ट करके दिखा सकती थी ऐसी थी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मेधावी थी सारे आसनों को जानती थी यम नियम धारण ध्यान समाधि एकदम परफेक्ट कर लेती थी इतना परफेक्शन होने के बाद उसने कपिल में अपने बेटे में कुछ ऐसा देखा कि ये विलक्षण प्रतिभा वाला है और नीचे बैठ के उनसे ज्ञान लिया उन्होंने और ज्ञान लेने के बाद ये देवभूति कहती है ये देवहूति एक और देवभूति का विवाह करदम से हुआ जो एक महायोगी थे महायोगी केवल शिवजी का कैटेगरी हुआ शिवजी देव करदम मुनि ये सब महायोगी वाले कैटेगरी में तो उनका विवाह करदम से हुआ था और ये करदम और देवहूति का पुत्र देव कपिल है और कपिल को देवहूति कह रही है क्या कह रही है ये श्रवणानुकीर्तना यणादरणाधिकवचित श्रादो पी सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवान एक और चीज तो कहना ही पड़ेगा मनु महाराज की बेटी थी मनु महाराज ने मनु संहिता दिया है जिसको सब ब्राह्मण लोग पढ़ते रहते हैं उनकी बेटी थी भगवान की माँ थी ब्रह्मा जी की पोती थी कपिल भगवान की माँ ब्रह्मा जी की पोती है ना और ध्रो महाराज से भी इनका रिलेशन है ध्रो महाराज की वो लगेगी फुआ लगेगी <laughs> इतने बड़े परिवार के जन्मी देव होती ये श्लोक कह रही है भगवान की माँ साक्षात कह रही है ब्रह्मा जी की पोती कह रही है कितना ऑथोरिटी है इसके वचन में आप समझिए है ना योग लक्षणों से पूरी है वो कह रही है कि जिनका नाम लेने से जिनका कीर्तन करने से तुरंत व्यक्ति मतलब हरि का नाम लेते तुरंत व्यक्ति नीचे से नीचे स्तर से ऊपर के ऊपर के स्तर तक पहुंच सकता है कितना भी नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है वो ऊपर से ऊपर के स्तर तक पहुंच सकता है कहां तक गिरा हुआ कहती है स्वाद्यो स्वाद्यो मतलब कुत्ते खाने वाले मतलब चाइनीज है ना जिंगपिंग भी अगर हरे कृष्णा बोलेगा तो कहती है सद्यो तुरंत के तुरंत उसको ब्राह्मण के कैटेगरी में रखना पड़ेगा हरे कृष्णा कितना खुश होंगे जिंक सुन के <laughs> इतना बड़ा चीज वो आराम से कर सकते हैं तो जैसे ही कोई भगवान का नाम लेता है और श्रीधर स्वामी इसके कमेंट्री में कहते हैं भागवत के पहले कमेंटेटर जब कोई कमेंटेटर पैदा नहीं हुआ था तब श्रीधर स्वामी पहले कमेंटेटर थे श्रीधर स्वामी ने अपने टीका में लिखा है कि जब कोई बिना अपराध के नाम ले ले तो लेते ही तुरंत के तुरंत कोई भी यज्ञ करने की शक्ति उसमें आ जाती है कैसा भी यज्ञ कर सकता है ब्राह्मण का स्टेज आ जाता है उसको नाम लेना होता है और हमने पिछले लेक्चर पहले हमने दस अपराधों के बारे में चर्चा किया था कौन कौन से अपराध नहीं लेने मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आज को आपको आप पहले के लेक्चर्स में आपको रेफर करना पड़ेगा इसको तो ये देहूति कहती है और देहूती और एक श्लोक कहती है अहोब स्व पचतो तो गरियान ये वर्त नाम तुभ्यम जुहु ससनुआया ब्रह्मी ते सस्नु आया, अहो बच सपच गरियान कुत्ते खाने वाले परिवार में भी जन्मा हुआ व्यक्ति महान बन सकता है कैसे महान बन सकता है यद वर्तते अग्रे नाम तुभ्यम जिसके जिह्वा के आगे राम 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 निकले कृष्ण 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 निकले राधेश्याम निकले सीता राम निकले जिसके जिहवा पे भगवान का नाम निकले वो तुरंत के तुरंत वैदिक ब्राह्मणों के जितना उसको क्वालिफिकेशन मिल जाता है ये भागवत में सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को दोहरा रहे हैं मैत्रेय ऋषि श्लोक को दोहरा के कह रहे हैं और तो और वेद व्यास जी सारे वेदों को लिखने वाले श्लोक को लिख रहे हैं और मनु की बेटी कह रही है भगवान कपिल देव को कह रही है इससे बड़ा और ऑथोरिटी आपको क्या चाहिए सुनने के लिए इससे बड़ा ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट और क्या मिलेगा कह रही कि तुरंत का तुरंत भगवान का नाम लेते ही व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंच जाता है और सुनिए भागवत का श्लोक भागवत में कहते हैं किराट हुनांद्र पुलिंद पुल कसा आभिर ते अन्य अरविंदाक्ष यदपाश्रया श्रया शुद्ध तस्मात प्रभव विष्णवे नमः विष्णु का प्रभाव इतना तेज है चाइना में जन्म लो मंगोलिया में जन्म लो जर्मनी में जन्म लो ग्रीक में जन्म लो स्कॉटलैंड में फिनलैंड में कहीं भी जन्म लो और जोर से बोलो प्रभु मैं आपका हूँ जय श्री राम बोलो और तुरंत के तुरंत ही तुम्हें यज्ञ करने की शक्ति का संचार हो जाएगा ये भागवत सुखदेव गोस्वामी का कथन है अब आप पूछेंगे इसका उदाहरण दीजिए ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए जिसमें कि ऐसे चीजें मिल जाए कि भाई ऐसे परिवार में कोई जन्मा हो और ऐसा काम कर रहा हो तो चलिए शुरुआत में करते हैं वाल्मीकि मुनि से वाल्मीकि का जन्म कौन से परिवार में हुआ था लुटेरे डकैत हाईवे रॉबर हाईवे के हाईवे के ऊपर लूटते थे सबको और काटते थे गला और कहते थे एक मरा फिर बोलते थे दो मरा तीन मरा 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 मरा, मरा, मरा बोलते रहते थे दिन रात मरा का ही जाप करते थे और नारद मिल गए बीच में टकरा गए उनको नारद ने कहा रे मूर्ख ये मरा मरा से क्या होगा उल्टा नाम जब बोलता उल्टा नाम नहीं हो सकता बोला ठीक है काम कर इसी को फास्ट जब कर तो फास्ट जबने लगा मरा 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 राम 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 हो गया और राम नाम लेके वो इतने महान हो गए कि दस हजार साल तक तपस्या उन्होंने किया और दस हजार साल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने रामायण की रचना कर दी देखिए कहीं पे साठ हज़ार साल भी लिखा है तो साठ हजार साल तक साठ हजार साल तक उन्होंने तपस्या किया तो वो उतना तपस्या करके वो नाम का तपस्या करके आदि कवि वाल्मीकि कहलाए दूसरा देखिए बेदव्यास जी वेदव्यास जी कौन है पराशर ऋषि और सत्यवती जो मछुआरा थी मछुआरा का बेटा थे वेद व्यास तो जन्म से अगर देखा जाए गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में अगर कोई नीचे वाले जाति से शादी करे तो उसको वो वाला जाति मान लिया जाता है वेद तो व्यास की जाति अगर आप वैसे देखेंगे तो सत्यवती की जाति कहलाएगी है ना लेकिन वेद व्यास क्या हो गए सारे वेदों के रचयिता हो गए जिस वेद को पढ़ के आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण कौन है वैष्णव कौन है वेद को रचने वाले पहले कहने वाले भगवान के साहित्यिक अवतार लिटररी इनकारनेशन लिटरेचर के इनकारनेशन साहित्य के करने के लिए जो उन्होंने अवतार लिया भगवान ने वो वेद मुनि स्वयं सतवती मछुआरन के बेटे थे नारद मुनि कौन थे नारद मुनि एक दासी पुत्र थे और दासी पुत्र उन्होंने से कथा सुना और कथा सुन के उनके, उनके अंदर भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने उनको वीणा दिया और नारद बन गए तो देखिए नारद वेद व्यास वाल्मीकि अब आप बोलेंगे तो ऐसा पुराना बात है कुछ इधर हाल फिलहाल का कुछ बताइए 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार अवतारी कृष्ण महा, महाप्रभु यहाँ पे दुनिया में घूमे संकीर्तन आंदोलन को फैलाया उन्होंने और उनके संकीर्तन आंदोलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिनको लेके उन्होंने नाम का आचार्य घोषित किया कि ये मेरे हरिनाम का आचार्य होगा ये मेरे मूवमेंट में नामाचार्य के नाम से जाना जाएगा सबसे बड़ा पोस्ट जो उन्होंने नामाचार्य का दिया वो एक मुसलमान को दिया एक मुस्लिम परिवार में जन्मा हुआ लड़का था उसको नामाचार्य का पक्ष दिया और उसका नाम दे दिया हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर जो थे मुसलमान यवन परिवार में जन्मे थे और जब वो हरिनाम नाम ले रहे थे घूमते थे नाम ले लेके तो मुसलमान राजा था नवाब हुसैन शाह बंगाल का राजा था उसने उनको पकड़वा के लाया और कहता है कि अरे ऐसा नाम मत लो काजी बोलता है कि तुम्हें मारवा देंगे मुसलमान जो थे ये जो उनके सामने हरिदास कहते हैं खंड खंड होए जाए जदि प्राण तब वदने आमी छाड़ी हरी नाम मेरे शरीर का खंड खंड करोगे और खंड को भी कान लगाओगे ना तो खंड बोलेगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वो फिर भी नाम लेगा टुकड़ा भी मेरा नाम लेगा तुम काट के देख लो तो उसको लेके गए बाईस बाजारों में पीटा लेकिन जब फिर भी नहीं मरे तो हरिदास समाधि में चले गए क्योंकि जो पीटने वाले थे वो डर गए कि अगर ये नहीं मरा तो हमें मार देंगे हरिदास ने कृपा करके वो उन्होंने अपने प्राण को सुन्य किया वो हरिदास को जब वापस लेके आए राजा के पास तो राजा कहता है कि इसको क्या करो इसको जला दो तो हिंदू लोग आ गए बोले नहीं जला नहीं सकते हैं क्योंकि ये हिंदू था नहीं इसने जन्म लिया मुसलमान परिवार में तो मुसलमान तो बोला ठीक है तो गाड़ दो तो काजी बोलता है, नहीं गाड़ नहीं सकते क्योंकि ये जो है हिंदू का नाम लेता था इसलिए इसको आप गाड़ नहीं सकते तो हिंदू लोग बोलते जला नहीं सकते मुसलमान बोलते गाड़ नहीं सकते तो करे तो क्या करे तो राजा था थोड़ा होशियार था इतना मूर्ख नहीं था दोनों जैसा उसने उठा के गंगा जी में डाल दिया गंगा जी में जो गए हरिदास पानी के अंदर गए और वहां से सांस लेना चालू किया और निकले बाहर और बाहर निकल के पूरी भीड़ देख रही है और निकल के सीधा राजमहल में प्रवेश किया जिंदा मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया हरिदास अंदर आ गया और बोलता है बोलो राजा राजा बोलता है हम क्या बोले ईसा तो कभी देखा नहीं वो पीर जो मोहम्मद पीर बैठा था वो भी उठ गया बोलता है अरे गुरु जिंदा हो गए आप तो राजा बोला सुनो हरिदास तुम ये नाम ले सकते हो बाकी किसी को अलाव नहीं <laughs> तुम अलग ही चीज हो यार तुम जिंदा नहीं हो कि तुम प्रेत हो पता नहीं चलता ये हरिदास इतने इतने महान संत बने वे गौड़ियों वैष्णव के श्रृंखला में सबसे महान संत बने हरिदास जो कि मुस्लिम परिवार में जन्मे थे अब बोलेंगे इसको प्रमाण उस समय के ब्राह्मण समाज में अद्वैत आचार्य सबसे श्रेष्ठ थे पूरे नवदीप के लाख शांतिपुर के रहने वाले थे बंगाल के उनके घर में श्राद्ध था और श्राद्ध के समय सबसे पहला भोजन सबसे बड़े ब्राह्मण को कराते हैं ब्राह्मण जो सबसे श्रेष्ठ है उन्होंने हरिदास को बिठाया उस सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को लेने में और हरिदास अपनी नम्रता से कहते हैं मुझे क्यों बिठा रहे हैं? मैं तो यवन परिवार में जन्मा हूं और अद्वैतचार्य कहते हैं आपको खिला के सौ करोड़ ब्राह्मण को भोजन खिलाने का पुण्य मिलेगा हरिदास रोज बाईस घंटा नाम जब करते थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बाईस घंटा नाम जब करते थे केवल दो घंटा में सोना खाना सब करते इतने महान संत थे सनातन गोस्वामी जो उनके बाद आए वो जस्ट उनके समय में ही आए समकालीन थे सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा है और उस पुस्तक में विग्रहों को पूजा करने का उन्होंने सिद्धांत निकाल के दिया है अलग अलग शास्त्रों से पुस्तक लिखा है मतलब अपना नहीं लिखा है शास्त्रों के श्लोकों को ही संकलित किया है और उस संकलन में पंचरात्र में भागवत भगवान के अर्च विग्रह को पूजा करने का जो संकलन किया है उस संकलन में उन्होंने श्लोक लिखा है और कहते हैं जैसे कांसे को केमिकल प्रोसेस करके सोना बनाया जा सकता है हा आप बोलेंगे ये कहां से आया कांसे से सोना बनता है पूरे दुनिया में विदित है आप इसमें गूगल करिएगा अल केमी एल सी एच ई एम -E अल केमी अल केमी का के प्रोसेस पूरे दुनिया में अलग अलग जगह इसका प्रयास किया गया है, है ना अल केमिस्ट अल केमी इसके ऊपर बहुत सारे फेमस फेमस किताबें भी हैं पोलो का एक किताब है अल्केमी करके है ना और वो बहुत फेमस है कि कैसे सोना बनता है तो ये उपन्यास हर ज़... स्टेशन पे भी मिल जाता है उपन्यास लेकिन उपन्यास वाले डायरेक्ट लिख नहीं सकते प्रोसेस को लेकिन सनातन गोस्वामी ने पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है किताब खरीद लीजिएगा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा मेरे से मत पूछिएगा मेरे को मैंने नहीं किया कुछ उसमें तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कांसे से सोना केमिकल प्रोसेस से जैसे बन सकता है वैसे ही हरिनाम देने से किसी भी परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति निरपराध नाम जप करने से वो ब्राह्मण के पद तक पहुंच सकता है दीक्षा काल करने से दीक्षा कर देने से न मंत्र दीक्षा देने से उस व्यक्ति में वो प्रभाव दिखेंगे जो एक जन्मजात ब्राह्मण कुलीन ब्राह्मण संस्कारी ब्राह्मण में दिखेंगे वो सारे गुण दिखने लगेंगे उसके अंदर अब आप बोलेंगे इसका प्रमाण इसका प्रमाण है जब आज से करीब पचास साल पहले प्रभुपाद गए अमेरिका पॉकेट में चालीस रुपया लेके गए साथ में थोड़ा सा एक बैग चावल और एक बैग आलू लेके गए थे तो वहाँ कुछ नहीं मिला खाने को तो चावल और आलू उबाल के सीधा आलू करके खाएंगे और वहां जब पहुंचे वहां उनको मिला डेविड उसको उन्होंने जब सिखाया हरे कृष्णा करने के लिए तो वो चाकू लेके दौड़ा उनको मारने के लिए तो समझ गया डेविड ठीक नहीं है थोड़ा ज्यादा इतना अभी नहीं थोड़ा डेविड को बाद में बाकी लोगों को पहले उन्होंने वहां जाके हरे कीर्तन किया टॉमकी स्क्वायर पार्क में उन्होंने करता लिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब लोग दुग आगे डुगडुगी बजाने लगे लोग अपना अपना डम बजाने लगे डब्बा बजाने लगे सब लोग जुड़ गए और उन लोगों को जो अमीर बाप के बिगड़े सहजादे थे कभी अपना जींस भी चेंज नहीं करते थे पंद्रह दिन एक महीने तक वो जींस पहनते थे ऐसे गंदे रहते थे अवैध संग करते थे स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं था और इस तरह से जब वो रहते थे ऐसे व्यक्तियों को प्रभुपाद ने हरी नाम दिया और ये लोगों ने जब हरि का नाम जपना चालू किया ऐसा परिवर्तन आ गया कि नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए शराब खाना छोड़ दीजिए चाय कॉफी खाना भी छोड़ गए बंगला हो गया चाय कॉफी पीना भी छोड़ दिया इन लोगों ने खैनी पीड़ी भी छोड़ दीजिए सिगरेट तो दूर का बात है चाय कॉफी छूट गया इन लोगों का चाय कॉफी तो भारत में सब पीते हैं है ना ब्राह्मणों के घर में भी जाइएगा तो चाय पहले मिलेगा आपको चा चाय घेणार चाय घू नाला घेणार कोई कंजूस रहेगा तो ऐसे बोलेगा कि चाय पी के आए ही होंगे <laughs> कि पिएंगे है ना <laughs> तो तो ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे लोग जिनके जन्म में जिनको कृष्ण का नाम तक पता नहीं था इन लोगों ने हरि नाम के प्रभाव से अपना सर भी मुंड लिया और पूरे दुनिया में प्रचार करने चले गए और जो तेज इनके चेहरे पे दिखने लगा और जो कृष्ण से प्रेम इन लोगों ने करके दिखाया वो एकदम अलौकिक और एकदम दिव्य था इसमें कोई दो मत नहीं है तो ये जो जब गुरु का जब मंत्र मिलता है गुरु जब शिष्य को मंत्र देते हैं हरिनाम का मंत्र देते हैं वो मंत्र उसके अंदर ऐसे प्रभाव दिखाता है कि उसके नीचे के संस्कारों को तुरंत वो चेंज करना चालू कर देता है तुरंत एकदम बहुत रैपिड एडवांसमेंट हो जाता है व्यक्ति का और व्यक्ति एडवांस हो एक अलग स्तर पर दिखने लगता है उसका तेज उसका शौर्य उसका बल उसकी सोच प्रखर हो जाती है और ऐसे प्रखर सोच से जब व्यक्ति शास्त्र को बोलना चालू करता है आपने तुरंत दिख जाएगा कि इसमें तेज एकदम अलग हो गया वो व्यक्ति ही नहीं रहा जो पहले था ये व्यक्ति में पूरा बदलाव आ गया है वो व्यक्ति जिसको मैं जानता था वो व्यक्ति अब ये नहीं रहा अभी एक अलग तेज वाला व्यक्ति तेजोमय तेज व्यक्ति दिख रहा है और इस तरह से हम देख रहे हैं एक ऐसा समझिए कभी कभी ब्राह्मण लोग ये कहते हैं जो जन्म से ब्राह्मण है वो कहते हैं कि अगर कोई हरिनाम लेगा भी तो अगले जन्म में ब्राह्मण बनेगा इस जन्म में नहीं बनेगा तो अब सवाल ये है कि अगर कोई हरिनाम ले और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण के परिवार में भी जन्म ले ले है ना इनके तर्क के अनुसार भी तो भी क्या गारंटी है कि जिस ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ है वो लोग वो संस्कार करेंगे सोलह संस्कार उसके होंगे इसका क्या गारंटी है आजकल तो लोग अमेरिका में पैदा हो रहे हैं कितने ब्राह्मण जो आईटी इंजीनियर बन के अमेरिका चले गए उनके संस्कार तो अब कितने बचे वो भगवान ही जाने वहां मंदिर खोल दिया लोगों ने बालाजी मंदिर ये मंदिर वो मंदिर और कुछ ब्राह्मण भी रहते हैं वहाँ पे लेकिन ये जो बच्चे हैं ना कहते यू यू नो नो आवर आवर डैड इज डूइंग ओल्ड थिंग्स रिचुअल्स तो बच्चे जो हैं उनको अपने संस्कार के प्रति कोई रुझान नहीं रह गया ये प्रूफ है कि संस्कार ठीक से नहीं हुए संस्कार अगर ठीक से हुए होते तो अपने संस्कृति के प्रति रुझान एकदम झलक के दिखता था अगर पाश्चात अमेरिकन के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम पैदा हो सकता है तो ब्राह्मण उच्च कुल में पैदा हुए बच्चों का क्यों नहीं हो सकता और अगर नहीं हुआ है इसका मतलब है कि संस्कार ठीक से नहीं किए गए तो देखिए हमने हमने आज संस्कारों के बारे में आपको बताया और अब जैसे एक जज होता है चलते चलते एक जज होता है जज जो होता है वो लॉ बुक्स को पढ़ के आ रहा एक लॉ का स्टूडेंट होता है जो लॉ पढ़ता रहता है कानून की किताबें पढ़ते रहता है और एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लैट का एग्जाम देते रहते हैं वो अभी एग्जाम देंगे तब वो लॉ कॉलेज में पढ़ने को जाएंगे कोचिंग कर रहे हैं अभी वो तो तीनों का लेवल अलग है तो जो जज बन गया है इसका मतलब वो क्लैट भी क्लियर किया है उसका लॉ भी हो गया है उसने गवर्नमेंट का एग्जाम भी पास करके अब वो जज बना है सारे उसने झोल झमेले क्लियर कर लिए है ना तो जो जज बन गया है वो ऐसा है जो हरिनाम जप रहा है ना वो जज है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सारे एग्जाम पास हो गए है ना और जो वेदिक यज्ञ करने वाले हैं जो यज्ञ वज्ञ कर रहे हैं वेद पढ़ रहे हैं वो अभी वो लॉ स्टूडेंट के जैसे हैं जो अभी सब किताब उताब खोल के पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट मॉक कोट मॉक ड्रिल कर रहे हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ब्राह्मण हैं जन्म से लेकिन संस्कार नहीं हुए उनके उन्होंने कोई संस्कार नहीं किया कोई रिफॉर्मेटरी प्रोसेस शुद्धिकरण का कोई प्रोसेस नहीं अपनाया बाद में शायद करेंगे और बाद में शायद शास्त्र पढ़ेंगे जो अभी का एग्जाम लिख रहे हैं तो तीनों का स्टेज है तो जब फाइनल कॉम्बिनेशन होगा जब आपको सबके लिए प्रेम आएगा और जब आप स्वार्थ से निस्वार्थ बन जाओगे तब ब्राह्मण से ब्राह्मण वैष्णव और शुद्ध वैष्णव बन जाओ ये, ये गेम है स्वार्थ से निस्वार्थ बनने का स्वार्थ से निस्वार्थ और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं विश्वामित्र मुनि भी क्षत्रिय जन्म हुए थे लेकिन वो बाद में यज्ञ करके तपस्या करके और कृष्ण की शरण लेके ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि और ब्राह्मण का पद पाए थे सत्यकाम था जो किसी एक कम चरित्र वाली स्त्री का पुत्र था जब उसके गुरु ने उसको पूछा कि तुम कौन हो भाई तुम्हारे पिता कौन है तो उसने सच सच बता दिया कि मैं माँ को पूछ के आया माँ कहती है उसके पिता कितने कितनों को जानती है वो कह नहीं सकती किसका पुत्र है वो तो गुरु ने कहा तुरहे में सच बोलने की ताकत है इसलिए तू ब्राह्मण है तो सत्य काम को ब्राह्मण माना गया और महाराष्ट्र में तुकार महाराज जी उन्होंने पूरा गाथा का गाथा लिखा है और जब उन्होंने गाथाएं लिखी तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे उस समय समाज में रामेश्वर शास्त्री और बाकी लोग थे उन लोगों ने उनके ऊपर बैन किया कि आप ये गाथा को प्रचार नहीं कर सकते और उनकी गाथा को लेकर उन्होंने इंद्रायणी नदी में डुबा डाला और वहां पे चौदह दिन तक इक्कीस दिन कितने? चौदह दिन वो वहां पे तुकाराम महाराज जो वो कन्फर्म नहीं मेरे को वहां पे बैठे रहे शिला के ऊपर और उसके बाद इंद्राणी देवी ने गाथा को लेके स्वयं प्रकट हुई और पूरे गांव में हल्ला फैल गया और गाथा लेके तुकाराम महाराज को उन्होंने दिया सुंदर ते ध्याना उभे वरी। इतना सुंदर भजन है इतने सुंदर सुंदर भजन है कि भारत के ब्राह्मण छोड़ दीजिए पूरे दुनिया के लोग इस भजन को गा रहे हैं है तो ये जो तेज है ये बात है स्वार्थ से निस्वार्थ बनने का जब आप शास्त्र पढ़ेंगे शास्त्र को लेकर उठाएंगे तो अपने आप स्वार्थ से निस्वार्थ के तरफ आपके कदम बढ़ेंगे और इस तरह से ब्राह्मण जब और निस्वार्थ बन जाते हैं सबको देने लगते हैं तो प्रचारक वैष्णव बनते हैं और वैष्णव फिर आगे जाके शुद्ध वैष्णव बनते हैं ये सिक्वेंस है हरे कृष्णा जय शिल प्रभुपाद कल हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी मॉडर्न साइंस और भागवत का साइंस भागवत जो है ज़्यादा साइंटिफिक है मॉडर्न साइंस से ज़्यादा साइंटिफिक है और मॉडर्न साइंस को एक ब्लो देंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस ने अभी उन ऊंचाइयों को छुआ तक नहीं है जो वैदिक शास्त्रों में दिया है और कल कल हो सकता है हम प्रयास करेंगे कि तीसरे स्ख का हम पूर्ण वो करेंगे पूर्ण करेंगे और इसके लिए हम सब आपसे आशीर्वचन की अपेक्षा करते हैं हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद जय जयशिल प्रभुपाद